हेलो मेरे फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। थैंक यू सो मच यार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ मेरे अच्छे आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मैं अभी आर ओ के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी कस्टमर्स के यहाँ विज़िट बंद है और घर पे अभी कुछ स्टॉक में आर ओ है नहीं जिसको मैं रिपेयर करके आप लोगों को दिखाऊँ। बाकी फिर भी आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तो आज जैसा आपने पढ़ लिया होगा डिस्क्रिप्शन में, मैं अपने इस MLDIC जो देख रहे हैं आउटर यूनिट, इसकी सर्विसिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ। घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, आप भी सर्विसिंग कर सकते हैं और अपने कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा है AC, 1 टन का ये मैंने परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। अब मैं इसकी सर्विसिंग आपके लिए सामने ट्यूटोरियल पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच, बने रहिए वीडियो में। AC की सर्विस करने के लिए हमने एक पुराना ब्रश ले लिया है, एक पानी का मग्गा जिसमें सर्फ़ या लिक्विड पाउडर आप डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एक कपड़ा ले लीजिए ख़राब, डस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए। ये लैडर मैंने परचेज़ की थी फ्लिपकार्ट से और मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई थी। ये AC भी फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया था, 1 टन का MIDEA का AC है और इसको अराउंड 1 ईयर से ज़्यादा हो गया सर्विस के लिए। एक स्क्रू ड्राइवर की मुझे हेल्प चाहिए छोटे से, ताकि साइड के लॉक खोल सकूं मैं, और उसके बाद लिड ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको स्क्रू ड्राइवर खोल के से डाल के और ये लिड खुल गया एक साइड का। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी लिड खोल लीजिए और ये इसका भी लिड खुल चुका है अपना। अब इसको पूरा पैनल ऊपर हो जाएगा इसका और ये फिल्टर्स देख सकते हैं आप, अंदर डस्ट देख सकते हैं। अराउंड 1 साल से ज़्यादा हो गया, पहले टेक्नीशियन आया था जब फ्री सर्विस थी। अभी मैं लॉकडाउन के ड्यूरेशन में घर पे बैठे हैं तो खुद ही कर लेते हैं। ये सारे फिल्टर्स खुलेंगे आगे के, ये आगे की ब्लेड भी हटा देंगे हम, बीच वाला पहले लॉक खोलना पड़ता है। इसके बाद ये साइड्स के लॉक खुल के ब्लेड निकल जाती है। पहले फ़िल्टर को निकालते हैं, ये फ़िल्टर खींच लिया जाएगा, वो लॉक से ऊपर उठा के खींचेंगे। और फिर ये दूसरा फ़िल्टर भी इसी तरीके से निकल जाएगा। इसके बाद इस लॉक को खोलते हैं, बीच का लॉक खुला है और ये लॉक होता है इसका सेंटर में लगा हुआ। एक तरफ से क्लिप है इसमें, एक तरफ से होल है इसमें। इसको भी थोड़ा सा फोल्ड करके आराम से निकालेंगे, क्योंकि ये टूटने का डर रह सकता है, तो बीच में से इसको हल्के से फोल्ड करके निकाल सकते हैं। पहले एक साइड का खुलेगा, फिर दूसरी साइड का ईजीली बाहर आ जाएगा। अटक गया है लगता है काफ़ी बुरी तरीके से ये, और ये खोल दिया है। इसके सब चाहे संभाल के रखे, अब चाहे तो इसको आप पूरा भी पैनल को खोल सकते हैं। इसके स्क्रूज होते हैं चारों तरफ और ये अंदर जो जाली है कॉपर वाली, इसके अंदर सारी डस्ट जमा हो जाती है। इसको हम अभी टूथब्रश जो दिखाया था स्टार्टिंग में, उसको लेके वर्टिकली अप्लाई करेंगे ईजीली, ताकि जालियाँ मुड़े ना, क्योंकि बहुत नाजुक जाली होती है अगर आप इसे टाइट करेंगे। और इस तरीके से कभी भी फ़िल्टर वॉश नहीं करने हैं, पहले इनकी डस्ट निकाल लेनी है, सूखा देना है, सूखे में इसकी डस्ट निकाली अच्छे से, और उसके बाद इसमें पानी से वॉश कर लीजिए प्रेशर के पानी से, अगर शॉवर है तो आपके पास। मैंने टैप से ही कर लिया था, डस्ट निकलनी चाहिए किसी भी तरीके से निकाली है। ये वो फ़िल्टर और ये डस्ट निकल गई है इनकी, पानी से अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। थोड़ी देर इसको अब मैं धूप में रखूँगा ताकि सूख जाए। सुखाने के लिए छोड़ दिया, जब तक हम चलते हैं ब्रश और अपना आगे का काम करते हैं। कि झाड़ू ले लिया मैंने, जो ऊपर की डस्ट है, ड्राई डस्ट है, वो सारी निकल जाए। ये सारे अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया ताकि डस्ट हट जाए, क्योंकि अभी मैं पानी यूज़ करने वाला हूँ उसमें डिटर्जेंट के साथ। जितनी भी ड्राई डस्ट है वो सारी निकाल लो चारों तरफ से। डस्ट अच्छे से निकालने के बाद ये साइड में अंदर पैनल में भी निकाल लो, जहाँ से एयर आती है हमारी। इसके अंदर एक राउंड मोटर लगी होती है,
अब ये ब्रश का यूज़ करना शुरू कर लिया है मैंने। अच्छे से ब्रशिंग करेंगे एक एक को, चार वर्टिकल्स में, बेसिकली चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं एक स्प्लिट एसी को, एक ऊपर का, एक उसके साइड में लेफ्ट राइट और नीचे का। अब इस तरीके से वर्टिकली ब्रश यूज़ करेंगे। अगर मैं हॉरिजॉन्टली कर लूँगा तो इसके अंदर क्या होगा, अभी उसकी नॉब्स जो पतली पतली वायर्स होती हैं वो टूटने का डर रह सकता है, इसलिए हमें इसको वर्टिकली यूज़ करना है। ये मैं दूसरे पोर्शन में आ गया हूँ, नीचे डस्ट जहाँ इकट्ठी हो रही है वहाँ आप इसको हल्के हल्के से हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट बॉडी पे भी मैं डस्ट लगी है सारी हटा देता हूँ चारों तरफ से, ढक्कन पे भी लगा रखी है जो डस्ट वो सब हटा दीजिए। अभी ये बहुत बढ़िया चीज़ मुझे ऑप्शन मिली है इसका, इस जैसे अभी आप देख रहे होंगे अर्बन कंपनीज़ या अदर ब्रांडेड लोग जेट प्रेशर से करते हैं। अब अपने पास जेट प्रेशर नहीं है घर में, आप एक बॉटल ले लीजिए उसमें ये प्रेशर लगा दीजिए और इस तरीके से अंदर स्प्रे गन कर दीजिए पूरा अच्छे से, और नीचे कुछ नहीं रखा होना चाहिए फर्श पे आपके फ्लोर पे। मेरे टीवी वॉल माउंट था, मैंने टीवी अनमाउंट कर दिया पहले क्योंकि सारा पानी नीचे की तरफ गिरेगा, और जितना भी डिटर्जेंट वाला पाउडर पानी अंदर जो हमने अभी ब्रश के थ्रू डाला वो सब भी क्लीन हो जाएगा। अंदर एक रोटेटिंग मोटर है, उसको रोटेट कर करके अभी मैं दिखाता हूँ टॉर्च ऑन करके, अंधेरे में नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए ये रोटेट हो रही है हाथ से, मैं इसे फिंगर से रोटेट करता हूँ, उसको रोटेट कर करके चारों तरफ इसकी डस्ट है उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ स्प्रे कर करके। अच्छे से स्प्रे करेंगे, हाफ से भी कम बॉटल में आपका ये पूरा वॉश हो जाएगा अच्छे से आपका एसी। पानी को गिरने दीजिए, ये देखिए डस्ट वाला पानी सारा गिर रहा है बॉडी पे, स्प्रे करते रहिए जहाँ जहाँ डिटर्जेंट यूज़ किया वहाँ भी स्प्रे कर लीजिए। अब मैंने एक वाइप ले लिया है पोंछने के लिए, यहाँ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, वाइप ज़्यादा बेटर है। वाइप यूज़ करके सारा अच्छे से ये अंदर का पूरा क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ भी डस्ट चिपक गई है चारों तरफ से, इसको अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लो। बाकी और कुछ होता नहीं है एसी की सर्विसिंग के अंदर, ऑलमोस्ट डन है। इसी के लिए हम 350 रुपये पे करते हैं, और कुछ इसके अंदर है नहीं सर्विस के लिए। और ये सारा अच्छे से साफ कर लो, दैट्स इट, अपना काम डन। अब हमें बस इसमें फ़िल्टर लगाने हैं, प्लेट लगानी है, प्लेट एक तरफ होल एक तरफ स्टिक निकली हुई, वही हल्के से बीच में फोल्ड करके लगा दो। इसका बस बीच वाला लॉक थोड़ा सा लगाने में दिक्कत आती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालने और लगाने में वहीं मुझे दिक्कत आई थी, बाकी इजी है, ट्राई करोगे तो निकल जाएगा इजीली। आप भी ये लॉक लगाया है मैंने, इसका अटक रहा है, लग जा, पोजीशन शायद मैं गलत दे रहा हूँ, चेंज करता हूँ, उल्टा रख के लगाना पड़ेगा मुझे आई थिंक। लग गया, फाइनली लग गया, ब्लेड बंद कर दी, फिल्टर्स लगा देता हूँ मैं इसके, देखिए वॉश करने के बाद, और ये बिफ़ोर वॉश भी दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे थे, ये तो वॉश के बाद, और ये बिफ़ोर वॉश कंडीशन देखिए कैसे थे सर्विस करने से पहले, क्लीन होके अच्छे से लग गए हैं फिल्टर्स, ड्राई हो चुके थे, धूप में रख दिए थे मैंने। अब इसके बाद ढक्कन को करेंगे बंद, थोड़ा सा लॉक्ड है पुश फिट, दबा दीजिए पंच मार के, और ये हो गया। अब चलते हैं आउटर यूनिट की तरफ, ये हमारी आउटर यूनिट है, वॉल के बिल्कुल पास में लगी हुई है, गैप बहुत कम है, लेकिन इस पे डस्ट आ गई है। कूलिंग पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है अगर हम एसी का आउटर और इनर, अभी देखिए डस्ट देख रहे हैं आप कितनी मिट्टी है इसके पीछे। आगे से पानी इस पे नहीं डालना होता क्योंकि आगे इसकी फ़ैन है और मोटर होती है, पानी जाके जल सकती है। ये पीछे की तरफ से एक पाइप ले लिया मैंने प्रेशर का, और सारा अच्छे से निकाल दिया मिट्टी को। करीबन 5-10 मिनट वॉश करने के बाद ये देखिए कितना बढ़िया से साफ़ हो गया, और ये सारा पानी नीचे से होल है वहाँ से निकल जाता है,
फाइनली एसी की सर्विस डन हुई, थैंक यू सो मच। और ये एसी सर्विस होने के बाद देखिए